गाइस, दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सेकेंड चैप्टर है. कंडक्टिंग मटेरियल्स मीन्स चालक पदार्थ. कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया था. व्हाट इज़ कंडक्टिंग मटेरियल्स? कंडक्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है. जैसे इसको हिंदी में कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं. मीन्स अगर इसमें बाह्य इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य इलेक्ट्रिसिटी बल या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो इसमें बहुत सारे आवेश मीन्स जो चार्जेज होते हैं वो फ्लो होने लगते हैं. दैट इज़ नोन एज चालक. वो चालक कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एजी हो गया, गोल्ड हो गया, दिज ऑल आर नोन एज द कंडक्टिंग मटेरियल्स. इन्हें कंडक्टिंग मटेरियल्स के नाम से जानते हैं. तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करेंट्स. रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस अपोज करता है करेंट का. जैसे कोई होता है ना, अब जैसे दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ है. अब वो दो लोग हैं, जैसे मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड से लड़ाई हो गया एंड वो बोला तुम मेरे घर मत आना, सो फिर मैं उसके घर नहीं जाऊंगी. ये हो गया ना इस रूल के अकॉर्डिंग. तो जैसे करंट और रेजिस्टेंस दोनों फ्रेंड है एंड करंट बोला मेरे घर मत आना, या फिर ये रेजिस्टेंस भी बोला अगर तुम कहीं दिख गए तो तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारा अपोज कर देंगे. तो रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज कर देता है, मीन्स विरोध करता है. रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजेज द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है. सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के. मीन्स अगर जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी. अगर कोई लंबा कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अब रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. मीन्स आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a. इसके जस्ट उल्टा होता है. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई बहुत ही लंबा वायर यूज़ कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खपत होता है. मीन्स ये अपोजेस करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी लेने से बहुत ज़्यादा चार्जेस वेस्ट हो जाएंगे. सो इसीलिए, और जैसे जैसे मोबाइल के चार्जर में हो गया, हीटर में हो गया, हम लोग क्यों मोटा वायर का यूज़ करते हैं? मोटा वायर का यूज़ करने से क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, उसका एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाती है. तो ये इसीलिए मोटा वायर यूज़ किया जाता है. अब आपसे कोई पूछ लिया कि हीटर में जो हीटर का जो केबल तार होता है वो क्यों इतना मोटा होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. क्योंकि इसलिए मोटा वायर लिया जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a. 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हीटर में प्रयुक्त तारें सदैव मोटी क्यों होती हैं, या उनका क्षेत्रफल सदैव ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस, उसमें दिया रहेगा इस अनुपात, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, या इसके कारण. तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये हो जाएगा. और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है. तो रो को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. ठीक है, रेजिस्टिविटी की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता. तो विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं इसको. इसका यूनिट भी वही होता है, ओम मीटर. इसका यूनिट होता है ओम मीटर. और आर को रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. ये माना गया है रेजिस्टेंस का यूनिट. अब इस फॉर्मूले को देख के मत सोचिएगा कि इस फॉर्मूले से निकाल लें, तो वो अलग बात है, पर इसको माना गया है रेजिस्टेंस की यूनिट यही होती है ओम. इसको ओमेगा भी बोलते हैं. अब ये हो गया रेजिस्टेंस किसके. अब दे दिया, एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, रेजिस्टेंस किसके किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया पर, और एक्सेलरेशन पे, वेग पर. तो वेग एक्सेलरेशन नहीं लगाना है. और ये किस पर डिपेंड करता है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है. यदि इफ़ वॉट इज़ मैक्सिमम देन करंट विल आल्सो मैक्सिमम. यदि वॉट मैक्सिमम रहेगा तो
अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो लॉसेस कम होंगी, इसीलिए लंबे वायर का यूज़ नहीं करते हैं। लंबे वायर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वायर लगेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी और लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं, पूछा कि बहुत ही ज़्यादा लंबे वायर का यूज़ कर दिए तो उसमें क्या होगा, उसमें लॉस ज़्यादा होगा। अब क्यों लॉस ज़्यादा होगा, और लॉस अगर ज़्यादा होगा तो किस फॉर्म में होगा, वो हीट फॉर्म में होता है। ये हो गया, अब देख लेते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। एलॉय कम्बिनेशन होता है किसका, टू और मोर देन टू मेटल्स, ये दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है एलॉय, दैट इज़ नोन एज एलॉय, विच आर यूज फॉर अंडरग्राउंड केबल, जो अंडरग्राउंड केबल वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंसुलेटिंग वायरिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वायर्स, अलग अलग टाइप्स के वायर बनाने में इसका यूज़ करते हैं एलॉय का। सो अब एलॉय पूछ लिया, अब वॉट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, अब देखिए वॉट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, एंड हियर इज ऑप्शन ऑफ कंडक्टर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉय। सो यू विल टिक ऑन एलॉय, एलॉय पे आप टिक करेंगे। एलॉय क्या होता है, इसे मिश्रित धातु भी बोलते हैं या मिश्र धातु भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर, अब सिल्वर की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, सिल्वर की प्रॉपर्टी क्या क्या है, वॉट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर, सिल्वर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। इट्स कोरोजन रेजिस्ट, ये कोरोजन रेजिस्ट है, इसमें कोरोजन नहीं होता है। इट हैज़ नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक भी है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ डिफर फ्रॉम दी अदर कंडक्टर, और सिल्वर की यही जो प्रॉपर्टी है इसको अलग करती है अदर अदर कंडक्टरों से। कॉपर में भी कोरोजन होता है पर सिल्वर में नहीं होता है। सो ये नॉन रेजिस्टिव, ये नॉन वो कोरोसिव है, वी कैन से दैट इट्स नॉन कोरोसिव मटेरियल। सो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मेनली इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में करते हैं, मोबाइल का सेल बैटरी बनाने, मोबाइल का सेल मोबाइल बैटरी भी बनाने में करते हैं, शेल कवच भी बनाने में करते हैं, जो एप्पल का फ़ोन आता है उसमें ये लगा रहता है, ये सिल्वर का बना रहता है वो। इट्स ऑल्सो यूज इन सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स में इसका यूज़ करते हैं सिल्वर का, दैट इज़ वाई इट्स टू कॉस्टली, सोलर पैनल इसीलिए महंगे आते हैं। इट्स नॉट ईजली अवेलेबल, इट्स कॉस्टली, ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सस्ता नहीं है, ये बहुत ही कॉस्टली है। आजकल कोई छोटा सा पायल या फिर कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगा मिल जाता है, तो सोचो कोई उसका तार बनाएगा तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए इसका नहीं बनाते। इट हैज़ एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी, ये एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी भी है इसके पास, दैट इज़ वाई इट्स यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, फ्यूज एलिमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, मिरर्स में किया जाता है, जो हम लोग शीशा देखते हैं ना दिन भर मिरर देखते हैं, उसको हम लोग ठेठ भाषा में शीशा कहते हैं। सो शीशा देख रहे हैं उसके पीछे जो पॉलिशिंग होती है वो भी सिल्वर की होती है, सिल्वर की पॉलिश, पर वो बहुत हाई वो मटेरियल हाई वाला नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, वो सस्ता होता है सिल्वर, लेकिन रहता है वो भी। मिठाइयों में भी इसका यूज़ करते हैं, सिल्वर का चांदी का तबक लगा हुआ होता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर, कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। इट्स लेस कॉस्टली टू सिल्वर, यह सिल्वर से थोड़ा सस्ता है। इट्स गुड ऑप्शन फॉर अस टू, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ कंडक्टर। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें कोरोजन होता है। अट्रैक्टिव कलर, इसकी जो कलर होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, दैट्स वाई वी यूज़ ऑल्सो यूटेंसिल्स इन शादीज़, शादी में भी हम लोग इसका कॉपर का बना हुआ बर्तन का यूज़ करते हैं, कॉपर वॉपर का रहता है, दिया जाता है। कैपेसिटी ऑफ वर्केबिलिटी, इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसके पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी अच्छी होती है। अब मैकेनिकल स्ट्रेस क्या है, When we increases mechanical stress, जैसे जैसे mechanical stress बढ़ाते हैं then resistivity also increases, resistivity भी बढ़ती है। अब mechanical is directly proportional to resistivity of conductor, conductor की resistivity के directly proportional होता है, because electron movement affected by strain। अब देख लेते हैं classification of electronic conducting materials, electronic conducting materials को तीन parts में classify किया गया है, तो तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रेंज है इसका, ये दे आर वेरी, इसका जो रेंज है इतना है, रेजिस्टिविटी दे आर, इसकी जो कंडक्टिंग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा लो होती है, बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग मटेरियल्स में आ जाते हैं फेरस, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, दीज ऑल कम्स इनटू इसमें कंडक्टिंग मटेरियल्स में,
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी की जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। जिसका लो रेजिस्टेंस होगा उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लो रेजिस्टिविटी होगा। सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो। इट इन्वर्स ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। अब इट्स वेरी गुड कंडक्टर। एक गुड कंडक्टर क्या है? बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है। वेरी इजली करंट फ्लोइंग, बहुत ही इजली करंट फ्लो हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप्स बहुत कम होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ने लगता है जैसे रेजिस्टिविटी कम होती है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। अब एप्लीकेशन ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल। इट्स यूज वेर लेस इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज। यह वहाँ यूज होता है जहाँ पर लेस इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज होती हैं और लो वोल्टेज ड्रॉप होता है। लाइन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट बिटवीन लो रेजिस्टिविटी एंड टू प्लेसेज विच इज़ नोन एज ट्रांसमिशन लाइन। अब लाइन कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं, उसे कहते हैं लाइन कंडक्टर। अब लाइन कंडक्टर दो टाइप से होते हैं, ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स एंड अंडरग्राउंड लाइन केबल्स। पहले क्या था, अब इंडिया में भी अंडरग्राउंड लाइन केबल्स हो गए हैं। पहले था ओवरहेड, मींस खंभे लगे होते थे, बहुत ज़्यादा पोल्स होते थे, अब पोल से लाइन सप्लाई होता था। अभी भी होता है शहरों में, पर बहुत बड़े डेवलप शहरों में ऐसा नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो रहा है।